हेलो गायज वेलकम टू अन अकेडमी मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टूर ऑफ ड्यूटी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या बेनिफिट्स पा सकते हो अगर आप अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी वन ऑन वन डाउट सेशन भी आपके क्लियर किए करे जाएंगे एंड हर एक बैच के अंदर सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होते हैं और साथ ही अभी हमारा डिस्काउंट पैकेज चल रहा है जिसके अंदर अगर आप दो साल का पैकेज लेते हैं तो आपको सेवेंटी फाइव परसेंट तक डिस्काउंट मिलता है एंड यू कैन गेट टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट यूजिंग द कूपन कोड एन आई सेवन साथ ही इस लेक्चर की और बाकी सभी लेक्चर्स की पी आपको स्टडी टाइम वाई वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम पे है एंड आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम यूजिंग माई आई डी तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टूर ऑफ़ ड्यूटी और आप ये देख सकते हो हिंदू का स्क्रीन जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आर्मी प्रपोजेज थ्री ईयर्स स्टिंट फॉर सिविलियंस एंड सिमिलरली टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है वट इज़ द टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडियन आर्मी हमारी यूपीएससी के सिलेबस के अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज़ एंड देर मैंनेडेट तो उसके अंदर ये टॉपिक फॉल करेगा और इसमें हमें पाँच चीज़ें बेसिकली समझनी है जाननी है नंबर वन इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं नंबर टू इसके अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं नंबर थ्री इससे क्या बेनिफिट्स होंगे सिटीजनस को एज़ वेल एज सरकार को नंबर फोर ये मेजर सरकार आखिर लेके रही है एंड लास्टली कि इससे सरकार के कितने पैसे बचेंगे तो इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या होंगे इस स्कीम के तो इन पाँचों चीज़ों पर हमें रोशनी डालनी है सो विदाउट फर्दर रेड्यू लेट स्टार्ट विद द वीडियो इंडियन आर्मी is कंसिडरिंग टू अलाउ कॉमन सिटीजन टू जॉइन आर्मी फॉर a थ्री ईयर tenure to टू सर्व द नेशन the tour of ऑफ ड्यूटी और थ्री short शॉर्ट सर्विस स्कीम सो बेसिकली इंडियन आर्मी जो है वो कंसिडर कर रही है कि हम आम लोगों को आम सिटीजन्स को तीन साल के लिए आर्मी के अंदर रखें और तीन साल उनको बेसिकली शॉर्ट सर्विस कैसी होती है आर्मी की क्या ड्यूटीज होती है किस तरह से आर्मी काम करती है उस चीज़ों का एक्सपीरियंस दे वो डिसिप्लिन इनकलकेट करें हम आम सिटीजन्स के अंदर इनिशियली सौ ऑफिसर्स और एक हज़ार लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा इट विल बी अ टेस्ट बेडिंग प्रोजेक्ट और अगर ये अच्छा निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम इसमें एंगेज कर सकते हैं और टोटली एंगेजमेंट जो है वॉल्ट्री होगी सो इट इज़ नॉट लाइक कंस्क्रिप्शन जैसा कि साउथ कोरिया वगैरह में चलता है जिसके अंदर आपको मैंडेटरी होता है आर्मी के अंदर सर्व करना तो कॉन्सक्रिप्शन नहीं है इट इज़ अ वॉलंट्री एंगेजमेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है आर्मीज प्लान इज़ टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द फोर्स एंड ब्रिंग सिविल सोसाइटी क्लोजर टू द फोर्स बाय गिविंग द एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द military लाइफ तो अगेन आर्मी का जो प्लान है वो ये है कि जो लोग आज की डेट में आर्मी से बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं या बेसिकली आप कह सकते हो सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी को इतना क्लोजली नहीं पहचानते हैं इतना क्लोजली नहीं जानते हैं कि अंदर की वर्किंग कैसी होती है आर्मी काम कैसे करती है क्या थ्रिल्स हैं आर्मी की लाइफ में तो वो उन सब चीज़ों को हम एक आम सिविलियन के साथ भी शेयर कर सकें और उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो मिल्ट्री लाइफ आर्मी की एक्सपीरियंस कर सकें और ना केवल एक्सपीरियंस कर सकें बल्कि अगर उनको वो थ्रिल और एडवेंचर पसंद आता है तो मिलिट्री को एज अ प्रोफेशन भी चूज़ कर सकें इससे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है जो लोग आर्मी में परमानेंटली सर्विस नहीं करना चाहते लेकिन कुछ टाइम के लिए आर्मी को अपनी सर्विसेज देना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम कुछ साल तो आर्मी में दे सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं उसके बाद हमें कुछ और करना है सो so, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफ़र बनने वाला है सो so, जो जो प्रपोजल है वो एक किस्म से आप कह सकते हो एक इंटर्नशिप की तरह होगा क्योंकि जैसे आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको काम सिखाया जाता है और वो थोड़ी टाइम के लिए होती है इट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको टेम्प्रेरी एक्सपीरियंस दिया जाएगा तीन साल के लिए इट विल लाइक बी लाइक एन इंटर्नशिप और जो भी इसके अंदर आपकी कमाई होगी जो भी आपको स्टाइफन दिया जाएगा सैलरी दी जाएगी वो टोटली टैक्स फ्री करी जा सकती है जिसके कारण लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि हम इस तीन साल के एक्सपीरियंस के लिए आर्मी को ज्वाइन करें साथ ही सरकार ऐसे प्रावधान भी बना सकती है कि प्रेफरेंस दी जाए इन लोगों को पब्लिक सेक्टर जॉब्स में और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर तो टूर ऑफ ड्यूटी जो है इसके अंदर टेन जो है दोनों ही लोगों के लिए होगा ऑफिसर्स के लिए भी जवान के लिए भी जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे गवर्नमेंट को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा सरकार को जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इस थ्री ईयर सर्विस का पर ऑफिसर जो कॉस्ट है वो बहुत ही छोटा होगा बहुत ही फ्रैक्शन में होगा एज़ कम्पेयर टू जो एस के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर आर्मी ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता है उनसे तो अगर हम एवरेज की बात करें तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन एन ऑफिसर हु हुज़ द सर्विस आफ्टर टेन और फोर्टीन ईयर्स इन आर्मी लगभग पाँच से लेके सा सात करोड़ तक बैठती है जिसके अंदर उसका ट्रेनिंग और पे अलाउंसिस ग्रैचुटी सब कुछ आ गया लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम वो सिर्फ तीन साल के लिए हम बंदों को लेते हैं तो उसमें सिर्फ एटी टू एटी फाइव लाख का खर्चा आएगा तो आप देख सकते हो कि खर्चे का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है प्लस हमारे पास जो बंदों की चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एस एस सी ऑफिसर जो हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो परमानेंटली ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस को उनका जो टेन्यूवर है शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो खत्म होने के बाद जिससे कि अगेन वो लोग फुल टाइम मेंबर्स बन जाते हैं आर्मी के और उनको पूरी पेंशनस भी देनी पड़ती हैं तो अगेन सरकार को लगभग ग्यारह से बारह करोड़ में एक पड़ता है तो यहाँ पर वो चॉइस भी सरकार को ज़्यादा मिलेगी एंड खर्चा भी सरकार का कम का हो जाएगा अगर हम सिटीज़न्स की बात करें तो सिटीज़न्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये स्कीम क्योंकि यूथ की हमारे जो फालतू की एनर्जी है जो हम क्राइम्स uh, में खर्च हो रही है या ड्रग्स में खर्च हो रही है या नेटफ्लिक्स देखने में खर्च हो रही है सो so, वो सारी की सारी जो यूथ की एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज़ कर पाएंगे उनको आर्मी की तरफ भेज के और उससे उनको ट्रेनिंग मिलेगी डिसिप्लिन मिलेगा हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिलेगा जिससे कि हेल्थ सुधर जाएगी क्योंकि अब कोरोना के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हेल्दी हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा या उनका बहुत कम बिगड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो लोग अनहेल्दी है जिनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल था सो so, इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो so, ओवरऑल आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है यूथ के ऊपर वो भी कम हो सकता है सिमिलरली अगर हम देखें तो आर्मी में जाने से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है लोगों का एंड वो लोग कॉरपोरेट्स में अगर बाद में जाते हैं तो कारपोरेट्स उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और उनका जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आफ्टर द एंड ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सो so, अब देख लेते हैं कि सरकार का इसमें और क्या क्या बेनिफिट हो सकता है सो so बेसिकली अगर हम देखें तो बजट एलोकेशन के अंदर आर्मी का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारा जो लास्ट फाइव इयर्स के अंदर अगर हम देखें तो डिफेंस बजट के अंदर ग्रोथ सिक्सटी एट परसेंट की है डिफेंस की सैलरीज के अंदर ग्रोथ सेवेंटी फाइव परसेंट की है और पेंशनस भी डेढ़ सौ परसेंट से इंक्रीज़ हो चुकी हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ऑफिसर्स की और स्टाफ की जवान्स की कमी है क्योंकि जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की 2019 में उनके हिसाब से लगभग ऑफिसर क्वार्टर के अंदर 14 परसेंट जो सीट्स हैं वो खाली हैं डेफिशिएंसी है सो so अगेन इससे एक और चीज़ का फ़ायदा होगा वो होगा नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज़म क्योंकि बहुत सारा यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है तो वो बहुत ज़्यादा यू नो भटक जाता है अपने रास्ते से और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टेररिज्म या किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर पार्ट बन जाए तो जिस तरह से हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ होता है तो उसकी एनर्जी को ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर टैप हो सकती है क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग बड़े आराम से इस सर्विस को ज्वाइन कर पाएंगे अगर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स उनका जो फिज़िकल क्राइटेरिया अगर वो पूरा कर पा रहे हैं और उनको एक किस्म से शॉर्ट टर्म नौकरी मिल गई जिसके अंदर उनको तीन साल तक टैक्स फ्री पैसे भी मिलेंगे सो अगेन इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन और इससे नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज़म की जो भावना है वो भी इनकल्किट होगी एंड तीन साल में वो बिल्कुल डिफरेंट आदमी की तरह बाहर आएंगे जो कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा फिट होगा अगर वो कॉरपोरेट में जाना चाहता है तो सो वी कैन से दैट की अनएम्प्लॉयमेंट को भी कुछ हद तक टैल कर देगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल कर देगा सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आर वीडियो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर लेना हमारे अन अकाडमी के चैनल को पी डी एफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल लेटर